हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गणेश और मेरा चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज बनाते हैं घर पर बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा पनीर बटर मसाला। ये बहुत ही इजी रेसिपी है, लेकिन इतनी क्रीमी और इतनी डिलीशियस है कि आप सोच ही नहीं सकते कि घर में बना है। तो चलिए ये शानदार रेसिपी को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक फ्राई पैन में 2 बड़े चम्मच तेल डाल देते हैं। आप चाहे तो अभी बटर भी ऐड कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तो उसमें हम डाल देते हैं 10-15 काजू और इसे थोड़ा सा भून लेते हैं ऑयल में। और इसके साथ साथ हम इसमें डालते हैं 2 तेज़पत्ता और 2 लाल मिर्ची और 2 टुकड़े दालचीनी और 2-3 इलायची। और इसके साथ साथ हम डाल देते हैं 3 मीडियम साइज मैंने प्याज ये लिया है, ये मैंने रफली काट लिया है। और इसे थोड़ा सा भून लेंगे, थोड़ा सा गोल्डन आने तक। और अभी हम ऐड कर देते हैं 3 बड़े टमाटर, वो भी मैंने रफली काट लिया है। और इसे थोड़ा सा सोते कर लेते हैं। और इसे हम ढक्कन लगा के 10 से 15 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। हमारा 10 से 15 मिनट हो चुका है। देखिए हमारा जो टमाटो और ओनियन है वो बहुत सॉफ्ट हो चुका है। तो अभी हम इसे क्या करेंगे ना, कंप्लीट हम इसे पूरा ठंडा करके ही ग्राइंडिंग करेंगे। अगर ऐसे करेंगे तो वो ग्राइंडर है ना, वो ढक्कन है ना, वो निकलने का बहुत चांसेस है, वो बहुत डेंजर है। तो इसलिए पूरा ठंडा करके हम इसे पेस्ट बनाना है और एकदम फाइन पेस्ट बनाना है, एकदम स्मूथ बनाना है। ये इसका एक सीक्रेट है बटर पनीर मसाला का, कि आपका जो पेस्ट है ना वो एकदम प्लेन होना चाहिए, एकदम स्मूथ होना चाहिए। देखिए हमारा पेस्ट कितना स्मूथ बना है, देखिए। तो अभी हम इसके लिए क्या करेंगे, अभी एक कढ़ाई में 3 बड़े चम्मच बटर डाल देते हैं। आप चाहे तो घी भी इसमें ऐड कर सकते हैं, अच्छा और भी खुशबू आएगा। और इसके साथ साथ हम इसमें डाल देते हैं 1 बड़े चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। और इसे ये बटर के साथ अच्छा से हम इसे भून लेंगे। और इसके साथ साथ हम डाल देते हैं 1 बड़े चम्मच कश्मीरी चिली पाउडर, इसे भी थोड़ा सा भून लेते हैं। और इसमें हम डाल देते हैं अभी हमने जो प्योरी बना के रखा था टमाटो और ओनियन का, और इसे अच्छा से हम इसे मिक्स कर लेते हैं। बटर पनीर में एक सीक्रेट ये है कि आप ये जो मसाला है ना, इसको जितना चाहे उतना आप अच्छा से भून लीजिए। और इसे हम ढक्कन लगा के अभी 10 से 15 मिनट तक हम इसे भूनेंगे। और बीच बीच में हम ढक्कन निकाल के इसे चलाते रहेंगे, नहीं तो नीचे लगने का चांसेस बहुत है। तो इसलिए 2-3 मिनट में एक बार इसे चलाते रहिए। फिर से हम 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे। देखिए हमारा जो मसाला है एकदम क्रीमी जैसा हो गया है, एकदम सॉफ्ट है। और अभी हम इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे। पहले हमने डाला था, लेकिन बाद में आप जितना रिक्वायर्ड है उतना डालिए। और इसके साथ साथ हम इसमें ऐड कर देते हैं 250 ग्राम पनीर है, और इसे भी मसालों के साथ इसे हमने अच्छा से मिला लेंगे। और इसमें हम ऐड कर देते हैं करीब 1.5 कप वाटर। कुछ ज़्यादा पानी चाहिए तो आप और ऐड कर सकते हैं। और इसे अच्छा से इसे मिक्स कर देंगे। और अभी ऐसे हम ढक्कन लगा के और एक 5 मिनट के लिए लो फ्लेम में इसे पकाएंगे। देखिए एकदम बढ़िया सा एकदम बटर पनीर जो है एकदम क्रीमी जैसा लग रहा है। और अभी हम ऐड कर देते हैं एक कसूरी मेथी 1 छोटे चम्मच। और उसमें हमारा ये जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है वो है मिल्क मेड क्रीम। ये सबसे अच्छा टेस्ट लाता है बटर पनीर से, तो इसलिए हमने इसे 2 बड़े चम्मच हमें इसे डाल दिया है। और इसे अच्छा से हम इसे इसके साथ मिक्स कर देंगे। और इसके साथ साथ हम डाल देते हैं 2 बड़े चम्मच फ्रेश क्रीम। देखिए हमारा जो ग्रेवी है और उसका जो
मसाला है कितना क्रीमी लग रहा है देखिए। अभी इसके साथ साथ हम ऐड कर देते हैं एक छोटे चम्मच गरम मसाला और इसे भी हम मिला लेते हैं इसे, और ऐसे हम बिना ढक्कन के एक मिनट के लिए इसे हम इसे पकाएंगे लो फ्लेम में। देखिए हमारा जो है एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा हमारा बटर पनीर मसाला बनकर रेडी है, कितना क्रीमी लग रहा है देखिए। और इसे आप एंजॉय कर सकते हैं नॉन पराठा चपाती और राइस के साथ, आप ऐसे भी खा सकते हैं। और ये इतनी क्रीमी है एक बार खा के देखिए मज़ा आ जाएगा बिल्कुल। तो ट्राई कीजिए रेसिपी को आपके घर में, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आया और अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फिर मिलते हैं और एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय। तो मेरे ये वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।